इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग भाग 5, जिसमें हम सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं सीमेंट उद्योग निर्माण कार्य। जैसे हम लोग सीमेंट का निर्माण क्यों करते हैं, सीमेंट क्यों बनाते हैं, घर बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, पुल, सड़क, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्माण करने के लिए ही सीमेंट की जरूरत होती है। इस उद्योग को भारी व अस्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता से बनाया जाता है। सीमेंट बनाने में चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम का सहायता लेकर एक उसको मिलाकर और कुछ लिक्विड और मिलाकर सीमेंट बनता है। और सीमेंट जब कंपनी से निकलता है उस समय गर्म होता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। रेल परिवहन के अतिरिक्त रेल लाइन के अलावा इसमें कोयला और बिजली की भी जरूरत पड़ती है। बिजली की जरूरत पड़ती है मोटर को घुमाने के लिए और रोटर को नचाने के लिए। कोयला का जरूरत पड़ता है उसको गर्म रखने के लिए कि वो सटे नहीं कहीं भी। सीमेंट निर्माण इकाइयों की स्थापना कहां पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा, इसके बारे में बताना है कि कहां पर सीमेंट उद्योग लगाया जा सकता है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई जाती है, क्योंकि यहां से कई खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है। गुजरात के कच्छ से बहुत जगह पर हम व्यापार आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि समुद्री जगह है, समुद्री इलाका है। इसके वजह से वहां से नाव तुरंत का तुरंत सप्लाई हो जाता है, तो दिक्कत ही नहीं होता है ना। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है ये बताना है, और उनके नाम बताइए कि क्या क्या नाम से सीमेंट फैक्ट्री चलता है। नेपाल का नेपाल टिस्सो, ये जो है। आपको भारत के कुछ और राज्यों के बारे में बताना है जहां पर सीमेंट बनाया जा सकता है। चेन्नई, चेन्नई भी है। चेन्नई के बाद आप कर्नाटक चले जाओ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश में जाओ, वहां पर भी आपको सीमेंट बनता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। और गुजरात, राजस्थान तो एक नंबर पर है ही। पहला सीमेंट उद्योग सन 2004 में चेन्नई में लगाया गया था, और पहला सीमेंट फैक्ट्री चेन्नई में लगा। स्वतंत्रता के बाद उसके पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ और यह सीमेंट फैक्ट्री को अलग अलग क्षेत्रों में बनाया गया। गुणवत्ता में सुधार के कारण, गुणवत्ता में सुधार हुआ उसके कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्वी एशिया, पूर्व के सारे देश और मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका के बाजारों में मांग बढ़ती गई और वहां पर हमारे सीमेंट की मांग हो गई। यह उद्योग उत्पन्न तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है, बहुत तेजी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि घरेलू मांग में हम कैसे वृद्धि करें। आज अगर एक घर बनता है, समझो कि एक कठा में घर बनता है, ठीक है, एक कठा में घर बनता है, टोटल मिलाकर 1700 स्क्वायर फीट होता है। तो 1700 स्क्वायर फीट में जब घर बनता है तो कितना उसमें सीमेंट कितना लगता है, उसमें सीमेंट आपको लग जाएगा 100, 200, 300, करीबन 400 बोरा सीमेंट लग जाएगा। तो 400 बोरा आपको जल्दी से घर बनाना है तो आप ट्रक से मंगवा लो, डायरेक्ट फैक्ट्री से आ जाएगा, सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आप धीरे धीरे मंगाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है, क्योंकि सीमेंट का उत्पादन ही बहुत तेजी से होता है और बिक भी जाता है बहुत तेजी से। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए प्रयास किया गया है। एक जब पुल बनता है, कोई भी बड़ा सा पुल बन जाए, तो उसमें कितना सीमेंट लगता है, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा वहां पर सीमेंट का खपत हो जाता है। अब आते हैं मोटर गाड़ी, उसके पहले मैं बता दूं कि सीमेंट का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होता है। आजकल गमला बनाने के लिए भी सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। गमला क्या,
आज मशीन का चैम्बर बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल, रेल लाइन बिछाने के लिए नीचे सीमेंट का इस्तेमाल होता है, सीमेंट गिट्टी बालू का इस्तेमाल करके वो बनाया जाता है, ढाला जाता है, और उसका मटेरियल कुछ अलग ही बनता है क्योंकि उस पर ट्रेन को चलाना है ना, प्लेटफार्म बने कुछ भी बने सीमेंट चाहिए तो चाहिए। अब आ जाओ मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी मतलब चार चक्का, चाहे छह चक्का, चाहे आठ चक्का, बारह चक्का, दो चक्का, तीन चक्का, कोई भी हो जाए। तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है, बहुत तेजी से इधर से उधर, एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन है परिवहन, मतलब मोटर गाड़ी। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा तिपहिया नहीं, इसको तीन पहिया बोलते हैं लेकिन लिखा जाता है तिपहिया, जिसमें टेम्पू आ जाएगा तीन चक्का वाला, तो तिपहिया तथा बहु उपयोगी वाहन निर्मित किया जाता है। तो मोटर गाड़ी उद्योग में ये सारे गाड़ी को बनाया जाता है, जिसमें जो भी ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तीन पहिया, टेम्पू, चाहे कोई भी गाड़ी हो गया। उदाहरण के पश्चात, उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहन का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ती है। जब हर बार कुछ नया मॉडल आता है ना, तो उसका मांग बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए बनाने के लिए मोटर गाड़ियां बहुत जीतोर मेहनत करती है और जल्दी से जल्दी बनाकर दे देती है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दो पहिया तथा तिपहिया वाहन में अपार वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बिकता है तो कार बिकता है, चार चक्का गाड़ी बिकता है, चाहे दो पहिया मोटरसाइकिल बिक जाए, स्कूटर बिक जाए। आज सबसे ज्यादा बिकने वाला गाड़ी है तो स्कूटर है, वह भी स्कूटी जो सेल्फ से डायरेक्ट चालू करो, गियर का झंझट नहीं है, सबसे ज्यादा वही बिकता है आज के डेट में। और उसके बाद से देखा जाए तो तीन पहिया टेम्पू का भी बिक्री बहुत तेजी से हो रहा है, चाहे वह ई रिक्शा हो, चाहे वह तेल वाला डीजल वाला टेम्पू हो। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है, क्योंकि यहाँ पर लोहा और स्टील बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, बैटरी भी बहुत आसानी से वहाँ मिल जाता है, बाकी सब सब मटेरियल, सारा मटेरियल वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। इसलिए ये फैक्ट्री कहाँ लगा? दिल्ली, गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? गुड़गांव आपको पंजाब में पड़ेगा। गुड़गांव मुंबई, मुंबई आपको तो आप सब जानते हो, पुणे भी मुंबई के पास में ही है, चेन्नई आपको नीचे चला गया साउथ में, कोलकाता आपको पूरब में चला गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इंदौर भोपाल में, हैदराबाद, हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, जमशेदपुर ये क्या बोलते हैं झारखंड में पड़ेगा, और बेंगलुरु आपको कर्नाटक में, केरल में चले जाओ। तो इतने जगहों पे मोटरसाइकिल, मोटर गाड़ियां बनाई जाती है। अभी चाइना का एक मॉडल था जो आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा बैटरी वाला गाड़ी बनाने वाला था, उसको भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, चाइनीज माल हम नहीं बेचेंगे, चाइना को यहां से हटाओ, तो हम लोगों ने चाइना को हटा दिया यहां से। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, टेलीफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर चीज जो भी है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादकों में ट्रांजिस्टर, गाना सुनने वाला, तो ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, सेलुलर टेलीकॉम मतलब एक ही फोन से नहीं हजारों फोन जुड़ा रहता है टेलीकॉम कंपनी में, वो सब, तो टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ये सारे प्रकार के मशीनरीज बनाए जाते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, राउटर, कंप्यूटर, दूरसंचार मतलब मोबाइल भी आता है। ये मशीन देखो, ये है HCL HCL रूपनगर में केबल निर्माण, यहाँ पर केबल निर्माण हो रहा है, पश्चिम बंगाल का एक फैक्ट्री है जहां पर केबल आसानी से बनाया जा सकता है। देखो किस तरह केबल बन रहा है, चार पांच प्रकार का वहां से आ रहा है और इधर घुमाकर उसको बना दिया जा रहा है।
जो केरल का बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का राजधानी उसको बोला जा सकता है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बेंगलुरु से ही आता है, क्योंकि अधिकतर कॉलेज तो उधर ही है, तो उधर के कॉलेज के स्टूडेंट बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब केंद्र संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यहाँ पर देखा जाए तो सब सामान कहाँ से आता है, भले मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में सामान बनता हो, लेकिन इनका संकेंद्र कहाँ है, केंद्र मतलब कहाँ से बिकता है सबसे ज्यादा, तो बेंगलुरु, नोएडा, नोएडा दिल्ली में ही आता है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, यहाँ से सामान आपको आसानी से मिल सकता है। और बाकी कहीं भी फिट करो, कहीं भी बेचो, उससे मतलब ही नहीं है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अगर हम हमारे देश में इतना ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कैसे चालू हुआ, क्योंकि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को बनाने में सक्षम हैं। सॉफ्टवेयर में जो अंदर होता है, हार्डवेयर में जो ऊपर का मशीन बॉडी होता है, तो हम लोग बॉडी और अंदर का सॉफ्टवेयर दोनों बनाते हैं, तभी तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर के मार्केट में। क्योंकि सॉफ्टवेयर के बाजार में कब आगे बढ़ोगे, जब आपके पास पूरा सामान बनाने का कुवत होगा, क्षमता होगा, तब ना। ऐसे हम लोग मोबाइल नहीं बनाते हैं। टेलीकॉम कंपनी में देखा जाए तो भारत मोबाइल नहीं बनाता है, मोबाइल दूसरे देश के कंपनी ही भारत में आकर बनाकर बेचती हैं, नहीं तो भारत का कोई अपना मोबाइल बनाने वाला कंपनी नहीं है जो अच्छा मोबाइल बना सके। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण यहाँ पर दिया जा रहा है। औद्योगिक प्रदूषण क्यों होते हैं, उद्योग के वजह से प्रदूषण कैसे है, पर्यावरण में कमी कैसे आ रही है, पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रही है। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, उद्योग भारत के अर्थव्यवस्था का नींव का काम करता है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। भले भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ का भूमि, वायु, जल और पर्यावरण सब प्रदूषित कर रहे हैं। जमीन, हवा, पानी और हमारा इन्वायरमेंट सब चीज गंदा हो रहा है इनके वजह से। उद्योग चार प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, हवा, पानी, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युतगृह मतलब जो कोयला से चलने वाला बिजली घर है, तो बिजली घर भी प्रदूषण फैलाने में कोई कम नहीं है। अब देखिए, पहला है वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैस की उपस्थिति गैस सल्फर हाइड्रोक्साइड, गैस सल्फर हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है, और सारे फैक्ट्री से सल्फर हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जिसके वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो वायु में निलंबित कणनुमो पदार्थों में, यहाँ पर कणनुमो पदार्थों में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। इसमें ठोस और एकदम गर्दा दोनों प्रकार के कण होते हैं, जिसके वजह से धूली, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं, इसके वजह से वायु प्रदूषित हो गया, क्योंकि दिख जाता है ना धूल, प्रेस, प्रेस मतलब बहुत ज्यादा एकदम फॉग जैसा दिखेगा, पानी जैसा, कुहासा जैसा दिखेगा एकदम। इस रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्ठे, तेल तेल शोधक शालाएं, प्रगलन उद्योग जहां पर शीशा को, चाहे पत्थर को, चाहे लोहा और गलाकर कुछ बनाया जाए, जीवाश्म ईंधन दहन करना मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम के वजह से कुछ भी बने, छोटा बड़ा कोई भी कारखाना हो प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, धुआं को वायु में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। जहरीली गैस का सिराव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है, और हवा में इस जहरीली गैस का रिसाव मतलब छोड़ा जाना बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इस हवा में सल्फर हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, दोनों पाया जाता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा हानिकारक होता है ये। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? भोपाल गैस त्रासदी में करीबन कम से कम 86,000 लोगों की मौत हुई थी। कितना? 86,000 लोगों की। कुछ लोग बचे लेकिन उनका आज भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और सरकार मुआवजा भी नहीं दी। वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य, पशु पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर प्रदूषण डालते हैं ये लोग, कंपनी वाले। और भोपाल गैस त्रासदी में सबसे ज्यादा कमी थी तो सरकार की थी। अगर सरकार निगरानी रखता ना तो वहां पर गैस त्रासदी कभी नहीं होता, लेकिन सरकार की बेवकूफी, उसकी नाकामी थी जिसके वजह से इतने लोग मारे गए। अब आते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। कार्बनिक माल छोड़ो चाहे अकार्बनिक छोड़ोगे तो नदी में प्रदूषण होगा ही। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन सलाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये जब अपने कंपनी का कचरा जब छोड़ते हैं जिसके वजह से नदी गंदा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का सामान बनाया जाता है। जैसे में श्रीनगर कश्मीर में, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, कोलकाता, गुवाहाटी अरुणाचल प्रदेश में भी, असम में भी है, और इधर चले आओगे तो गुवाहाटी मुंबई में भी है और तमिलनाडु में भी है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद और भुवनेश्वर, उसको भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई और इधर किधर तिरुवनंतपुरम केरल का राजधानी है, जहाँ पर एक से एक वहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ पर एक से एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, हार्डवेयर बनता है। तो जो लोग रंग और उपमार्जक अमल चाहे एसिड, अमल का इंग्लिश होता है एसिड, तो एसिड अवन तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन इत्यादि जल में प्रवाहित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये सब जल में फेंक देते हैं, जिसके वजह से भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में प्लाईस, फोस्टो जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां है। ये सब जब नदी में फेंकते हैं तो वहां पर नदी गंदा होगा ही, चाहे कुछ भी कर लो गंदा होगा ही। यहाँ पर जल प्रदूषण में जब जाएंगे तब जानेंगे कि जल प्रदूषण कितना ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। हमने अभी ऊपर क्या क्या पढ़ा, हमने ऊपर जल प्रदूषण ही पढ़ रहा था। ये भी जान लो, 1 लीटर अगर कचरा फेंका जा रहा है तो करीबन 8 लीटर पानी गंदा हो जाता है, शुद्ध पानी पीने वाला। आगे देखते हैं तापीय प्रदूषण क्या होता है। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है बिना ठंडा किए, तो जल के तापीय प्रदूषण होता है, जल में गर्मी वाला प्रदूषण होता है, जिसके चलते जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। जब हम गर्म चीज पानी में छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, तो वहां के पनपने वाले जीव मर जाते हैं, परंतु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट और परमाणु शास्त्र उत्पादक कारखानों के कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसाव जैसी बीमारियां होती है। और ये सारा कचरा छोड़ते हैं जिसके वजह से क्या होता है, हमारे कारखानों के वजह से कैंसर की बीमारी होता है और जन्मजात लंगड़ापन, विकलांग का बीमारी हो जाएगा। और अगर नदी में पानी गंदा आ रहा है तो वहां पर हम खेती बाड़ी में अगर पानी देते हैं तो हमारा पूरा नदी तो प्रदूषित ही है, जिसके वजह से हमारे खेती बाड़ी में भी अकाल पड़ सकता है,
बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। अगर भूमि और पानी दोनों प्रदूषित हो गया तो इंसान का मरना तय है। मलबे का ढेर विशेषकर कांच, मलबे का ढेर विशेषकर कांच शीशा हानिकारक रसायन है। औद्योगिक बहाव उसके बाद से है पैकिंग, अलवन तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। अगर हम हानिकारक रसायन छोड़े चाहे औद्योगिक बहाव करें, फैक्ट्री से आने वाले कचरे को पानी में डाल दें, उसके बाद से है पैकिंग लवण मतलब गर्म पानी हो गया, चाहे कूड़ा करकट हम अगर खेत में फेंकते हैं तो हमारा भूमि खराब होता है, जमीन खराब हो जाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं। जब पानी बरसता है तो पानी के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषित कर देता है, नीचे पहुंचकर भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। जब भूमिगत जल प्रदूषित हो जाएगा, हम उसको कल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, तालाब के माध्यम से हम पिएंगे तो मेरा भी तबीयत खराब होना तय है। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं, जब ध्वनि प्रदूषण कैसे, जब आवाज होता है तो एक मन में खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं वरना असक्षमता, हृदय गति का तेज हो जाना, आम आदमी जो काम करता है उससे कई गुना ज्यादा उसका दिमाग खराब हो जाता है, रक्तचाप मतलब खून का गर्मी बढ़ जाना, खून का स्पीड बढ़ जाना और अन्य कायिक समस्याएं भी, व्यवस्थाएं भी बढ़ती रहती है। जब तेज ध्वनि होगा जिसकी वजह से दिल का धड़कन बढ़ जाता है, हृदय गति में तेजी तो आता ही है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ जाता है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है। बहुत ज्यादा ध्वनि अगर होगा तो हमारे मानसिक उत्तेजना और मानसिक चिंताओं का स्रोत हो जाता है, दिमागी समस्याएं हो सकती है, शरीर उत्तेजित हो जाएगा तो जिसके वजह से बहुत ज्यादा थकान हो सकता है। अधिकतर आप देखना ऑर्केस्ट्रा तो सब कोई देखता ही होगा, नाच गाना डीजे वगैरह जो बजता है वो सब कोई देखा ही है, तो उस समय किस तरह शरीर में एक उत्तेजना पैदा हो जाती है, गाना बज रहा है अपन नाचेगा रे अब तो ऐसा उत्तेजना पैदा हो सकता है और तनी देर नाचने के बाद पूरा पसीना पसीना आदमी हो जाता है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। धीरे धीरे बताता हूँ, कोई भी कार्य, फैक्ट्री तो बहुत ज्यादा धुआं भी देता है, हर चीज देता है, वो ध्वनि प्रदूषण भी फैक्ट्री करता है। जब फैक्ट्री में कोई सामान आता है तो इतना तेज सिग्नल बजता है, सायरन बजता है, जैसे कान पक जाए, कान फट जाए। निर्माण कार्य कभी भी कहीं कुछ बनता है तो वहां पर कैसा कैसा आवाज आता है, ट्रैक्टर का, जेसीबी का, ट्रक का, चक्का फटने का, रॉड काटने का, सीमेंट ढालने का, बनाने का। कारखाना में भी वही हाल है, जब घर में जनरेटर चलता है चाहे कहीं भी तो बहुत ज्यादा आवाज। लकड़ी चीरने वाला मशीन जहाँ पर लगता है, यहाँ पर लकड़ी का चिराई घर होता है, लकड़ी चिराई घर, वहां पर भी कितना आवाज होता था। पहले वाला चिराई घर जो था वो करात मशीन उसको बोलते हैं, तो बड़ा सा चकड़ी हुआ करता था। आज का करात मशीन एक प्लेट पर चलता है, वही प्लेट ऊपर नीचे करके काट डालता है। गैस से चलने वाला, कभी भी देखना जहां पर गैस वेल्डिंग होता है चाहे गैस कटर होता है, जब एक बार आग लगाएंगे इतना तेज भरभराहट उसमें से आता है कि आम आदमी जब वहां जाकर सुने तो उसका दिमाग घूमने लगेगा। और ड्रिल मशीन हो गया चाहे कटर मशीन, कितना ज्यादा आवाज करता है। आगे आ गया पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया गया, तो चलिए जानते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित एक लीटर, जो कंपनी से एक लीटर अवशिष्ट से लगभग आठ गुना अच्छा जल प्रदूषित हो जाता है। अगर हम एक लीटर कोई मटेरियल फेंकते हैं पानी में तो उसका आठ गुना पानी गंदा होता है नदी के कचरा की वजह से। औद्योगिक प्रदूषण से अच्छा जल को कैसे बचाया जा सकता है,
मतलब 1 लीटर हम कचरा फेंकेंगे तो मेरा 8 लीटर पानी खराब। हमारे गांव में एक अल्कोहल फैक्ट्री है जहां पर स्प्रिट बनता है। बोलते तो है कि ये थिनर बनाता है लेकिन स्प्रिट बनाता है। और जब स्प्रिट बनाकर कभी कभी एक दो जग एक चाहे एक बाल्टी हमारे गांव में भी सप्लाई हो जाते हैं, गांव में नहीं उस एरिया में सप्लाई कर दिया जाता है। एक जग स्प्रिट डालने के बाद 1 ड्राम करीबन 100 लीटर शराब बनता है। और एक जग स्प्रिट इतना गर्म होता है कि आदमी के शरीर पर फेंक दिया जाए तो शरीर जलकर राख हो जाए। और वो एक जग डालकर उसके बाद से एक प्लास्टिक का केन होता है, 100 लीटर पानी और एक जग ओ, मतलब 100 लीटर शराब बन जाता है एक बार में। तो औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव देखिए। विभिन्न क्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर आवश्यकताओं में पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जो कंपनी से पानी निकल रहा है उसको जमाओ, केमिकल डालो और उस पानी का इस्तेमाल फिर से करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इसके वजह से प्रदूषण कम होगा। ख नंबर, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। अगर तुम्हें पानी की जरूरत है तो तुम बारिश के पानी को इकट्ठा कर लो, तब अपने कंपनी में लगाओ चाहे कहीं भी लगाओ, कौन रोकता है। ये यहां पर चित्र देखिए, चित्र में दिखाया जा रहा है फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ होता है? फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहिक मल उपचार संयंत्र। यहाँ पर मल को इकट्ठा करके रिफाइनिंग किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फरीदाबाद शायद गुजरात में आता है, फरीदाबाद गुजरात में नहीं दिल्ली के साइड में आता है। ये दिल्ली के इर्द गिर्द में आपको 100 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएगा। वहां का ये सब फैक्ट्री में कचरा का वेस्टेज का रिफाइनिंग करने के लिए लगा दिया गया है। नदियों और तालाबों में गर्म जल तथा अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, मतलब उनको प्यूरिफाई करना। औद्योगिक अवशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है, 3 प्रकार में उसका मतलब रिफाइनिंग किया जा सकता है, उसको फिर से काम लायक बनाया जा सकता है। हम एक बार सोसाइटी में गए थे तो वहां पर जो नाले का पानी होता है, नाले को पानी का इकट्ठा करके उसका लोग करते क्या है, केमिकल डालकर बैठा देते हैं और फिर उस केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद सारा कचरा नीचे बैठ जाएगा और सारा पानी को पौधों फूल में डालने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। और जो नीचे का कचरा है वो कंपनी वाला लेकर चले जाते हैं खाद बिया बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। तो काम हो गया इसका अभी। अब देख तो कौन कौन से कारण है प्यूरिफाई करने का। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, सबसे पहले उसका प्राथमिक शोधन करो। इसमें अवशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव इत्यादि सम्मिलित है। अलग अलग प्रकार में उसको करो और अलग अलग प्रकार में उसका इस्तेमाल कर लो। बाकी बच जाए तो उसका रोड साइड में फेंक दो ना, जो कंपनी रोड बनाती है उसको दे दो, वो अपना इस्तेमाल कर लेगी। वन नंबर, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। अब आता है जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में आ जाएंगे कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। दूसरे श्रेणी में आ जाएगा जो लोग काम करता है तो उनके प्रक्रियाओं में डाला जा सकता है। रिफाइनिंग की वजह से जो प्लास्टिक का कण बच जाता है उसका प्लास्टिक का टूथब्रश बनता है, जिससे हम लोग आराम से, और टूथ पेस्ट का जो कवर आता है ना दंत मंजन का, वह भी एक पेट्रोलियम के कचरा से ही बनता है, इसको पेट्रासाइड बोलते हैं। स नंबर, जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधक में किया जा सकता है। पहला में उसको छटाई किया जा सकता है, दूसरा में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, अलग अलग छाट कर उसका फिर से प्यूरिफिकेशन होगा, उसके बाद से जैविक खाद, रासायनिक खाद, चाहे रसायन में, जैविक में, चाहे भौतिक प्रक्रियाओं में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फिजिक्स में। ये तृतीयक शोधक हो जाते हैं। इनमें अवशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। उपयोग किया गया पानी को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
यहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, जहाँ पर भूमिगत जल कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। कानून को मानना चाहिए कि भैया यहाँ पर लोग पीने के लिए पानी भरते हैं, लेते हैं, तो आप इसमें कचरा ना डालो, नहीं तो आपको यहाँ से उठाकर कब्रिस्तान में फेंक देंगे। मतलब ऐसा जगह पर आपको कंपनी लगवा देंगे जहाँ पे आपको कुछ वो नहीं मिलेगा। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए, हवा में प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोलाइटिक्स अवशेषण, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रिसेप्टर्स, इसको लगाना चाहिए। जब लगाएंगे हम ऊंचे ऊंचे चिमनियों में तो धुआं भी फिल्टर हो जाता है। धुआं क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद आता है स्क्रब उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को उड़तीय रूप से, जो ऊपर उड़ रहा है तो उड़तीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। ऐसे में जो हवा ऊपर से निकल रहा है उसमें आप चिमनियों में क्या डाल दो, इलेक्ट्रोलाइटिक्स अवक्षेपण डाल दो, नहीं तो आप एक ऐसा मशीन लगाओ कि वो सारा हवा को अपने अंदर खींच ले और खींच कर सारा कचरा जो है पाउडर में बना देवे और जो बच गया वो हवा में फेंक देवे। और जब प्यूरिफाई कर देगा, फिल्टर कर देगा, तो शुद्ध हवा निकलेगा ना, कचरा तो रुक जाएगा। और वो सारा कचरा को इकट्ठा करके रोड कंस्ट्रक्शन लाइन में फेंक दिया जाए, चाहे उसका इस्तेमाल खाद बनाने में कर दिया जाए। इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें पैसा लगता है, लोग करना नहीं चाहता है। कारखाने में कोयले की अपेक्षा तेल और गैस के प्रयोग से धुआओं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। कारखाना में अगर कोयला के जगह तेल और गैस का इस्तेमाल हम करेंगे तो प्रदूषण में, धुआं में गंदगी को हम कम कर सकते हैं। आगे आता है मशीनों और उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। हर जगह पर मशीन और उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा जनरेटर में साइलेंसर लगवाया जा सकता है। जब जनरेटर में साइलेंसर लग जाएगा तो धुआं नहीं होगा, और हमेशा उसको बनवाते रहो, धुआं ऐसे भी नहीं होगा। बहुत सारा गाड़ी दिखने को मिलता होगा, गाड़ी जब स्लेटर लेता है सब, इतना ज्यादा धुआं होता है कि मन करता है कि उतर कर पहले इसको जतियाएं, कहे कि इतना धुआं वाला सरकार इसको अलाउ कैसे कर देता है, क्योंकि वो POC नहीं करवाया रहता है, वो केवल गाड़ी केवल गांव में चलाते हैं। इसी मशीनरी का प्रयोग किया गया जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषित हो। मतलब ऐसा उपकरण का इस्तेमाल करो, ऐसे मशीनों का इस्तेमाल करो जो कम धुआं देवे और कम प्रदूषण कर पावे, चाहे कम ध्वनि भी कर पावे। एक बार की मैं बात बताता हूं, हमारे गांव में एक आदमी का बाइक खराब हो गया था। उसका फुल सर्विसिंग में करीबन खर्चा होता तो करीबन 3,000 का करीब रुपया लग जाता उसका सर्विसिंग करवाने में। तो मुझे मालूम चला सर्विसिंग हुआ है, हम पूछे कितना रुपया लगा, तो बोला कि 1,000 रुपया लगा। ठीक है, उस गाड़ी में केवल क्लच प्लेट बदल दिया गया था, बाकी कुछ नहीं। आवाज वैसे ही, सब चीज खटारापन वैसे ही था, केवल बस दोनों चक्का साफ, चैन साफ और इंजन वायल बदल दिया गया था और क्लच प्लेट बदल दिया गया था, बस। उससे क्या हो जाएगा, गाड़ी तो वैसे ही मरियल जैसी थी, ज्यादा स्पीड करो तो हननाने लगेगी, दिक्कत वाली गाड़ी थी। इसलिए जरूरी है कि हम उसको पूरा तरीके से सर्विसिंग करें कि हम प्रकृति को बचाने में अपनी योगदान को दे सकें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनना चाहिए। जहां पर हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है वहां पर एक ईयरबग भी पहनना चाहिए, चाहे पूरा सेट लगाना चाहिए कि कान में ध्वनि कम जाए, हमें कम सुनाई देवे, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगा ना, काने खत्म हो जाएगा, बहिर हो जाएगा आदमी, तो बहरापन आ गया तो दिक्कत है। इससे बहुत अच्छा है कि कानों पर शोर नियंत्रक, जो शोर को नियंत्रण करने वाला उपकरण होता है उसको पहन लो, ज्यादा ध्वनि को रोक देता है, कम ध्वनि को आने देता है। सतत पोषकीय विकास की चुनौती के लिए पर्यावरण संचेतन से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है।
हम आर्थिक विकास करेंगे तभी पर्यावरण को हम सुधार सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये फरीदाबाद में यमुना नदी, दिल्ली के यमुना नदी के किनारे इसको बनाया गया है, जहां पे एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहिक मल उपचार संयंत्र, यहाँ पर मल जो कंपनी का मल है उसको रखा गया है, कचरा को, शायद इसको प्यूरिफाई करने के लिए सब मशीन भी लगाया गया है। और यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है, लेकिन एक और टॉपिक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह NTPC द्वारा दिखाया गया है, क्या भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह जो कोयला से बनता है, कॉरपोरेशन विद्युत, यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने के लिए, बिजली प्रदान करने वाली मुख्य निगम है, इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज, तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है, तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना किया जा सकता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है, ठीक है, क्यों क्यों संभव है, अ में आता है आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों पर सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार कर सकते हैं, इसके वजह से अधिकतम रख रखाव का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का निम्न उत्पादन हो सकता है। 100 नंबर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, परिस्थिति की संतुलन जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र में सुधार तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जितना ज्यादा वृक्ष लगेगा उतना ही प्रदूषण कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिलते रहेगा, प्रदूषण नहीं होगा। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनः चक्रण तथा राख संयंत्र, राख संग्रह ऐश पाउंड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ध नंबर, सभी ऊर्जा संयंत्रों का परिस्थितिकीय रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना, जो भी कंपनी है, जो भी उद्योग है, उसका प्रशिक्षण हमेशा करते रहो, जिसके वजह से ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ऑनलाइन व्यवस्था कर दो कि भैया आप यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करो कि आपके पास इतना इतना खर्चा है, ये आप किए, कितना कितना खर्चा किए, कितना प्रदूषण में गैस छोड़े, ये सब बताइए, और ज्यादा होगा तो हम आप एक्शन लेंगे। तो ये फैक्ट्री कहाँ का है, ये फैक्ट्री है रामागुंडम संयंत्र है, इसका नाम है रामागुंडम संयंत्र, जो बिजली बनाने का काम करती है। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, सवाल एक, बहुविकल्पिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयुक्त करता है, मतलब उसका प्रयोग करता है। तो ये सीमेंट जो है कच्चे रूप में, कच्चा माल में चूना पत्थर को लेता है। दो नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो टाटा स्टील मत मार देना, टाटा स्टील का काम होता है बस सरकार के लिए बनाना, सरकार सेल के माध्यम से बेचती है, इसको सेल बोलते हैं, आंसर हो जाएगा ख, बाकी आंसर आप खुद करो। दो नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है, आराम से हो जाएगा। विनिर्माण क्या है, सबसे पहले का वीडियो में दूसरे का टॉपिक, पहले के टॉपिक में इसका आंसर है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 120 शब्दों में देना है, बेसी से बेसी 8 से 10 लाइन में देना है, बाकी ज्यादा नहीं देना है। क्रियाकलाप है, इसमें आंख डालने की भी टेंशन नहीं है, छोड़ दो, प्रोजेक्ट कार्य भी छोड़ो, बाकी सब भी यहाँ पर कुछ नहीं है। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे सातवां अध्याय में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, कि भारत के अर्थव्यवस्था कैसे चला, भारत के अर्थव्यवस्था कैसे आज सहमत है, भारत का अर्थव्यवस्था आज कैसे सक्षम है हर चुनौती को झेलने के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कॉमेंट करके बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट करना है तो indrajeetstudypoint@gmail.com पे कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मेल बॉक्स में दिया गया है, ठीक है।
आपको जो भी सलाह देना चाहते हैं वो सलाह दीजिएगा, 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद।